निकल के चक्कर में यार जाने हो गया। नमस्कार दोस्तों, हो गया महाराज जाने से ले हो गया, निकाल के मीटिंग निकाल दिया उसने, आपने आता है वो करे ये रहते सामने, अरे ये अंदर निकल गए, वही गए हो पकड़ लिया ये रहा। नमस्कार दोस्तों, ये आ गया हमारा ये हमारा इंडियन रैट स्नेक, बहुत ही अद्भुत अद्भुत, ये इसमें जहर नहीं होता, तभी तो निकाल के भग गया कितने जल्दी, उसकी शक्ल देखे ना वो पहले देख ले रहा, बहुत ही अद्भुत नजारा। यस इंडियन एम्ब्रेस लेके रैट स्नेक धामन बोलते हैं इसको, धामन ये काटने के लिए काटता है ठीक है, पर इसमें जहर नहीं होता। अरे जान तो है मेंढक में भाई, है जान तो है मेंढक में, जान है ये पानी में डाल दोगे, जान है तो कोई बात नहीं, पानी में डालना है नहीं, पानी में मत डालो उसको, वो मर ही गया है नहीं, मर गया तो दोस्तों भाई मेंढक जिंदा है यार, यही है हमारा इंडियन रैट स्नेक धामन, इसी को बोलते हैं घोड़ पछाड़, इसी को बोलते हैं, ये जहरीला नहीं होता, बस ये लपेटने में माहिर होता है, देखो कैसे ये लपेट रहा, गांठ मार रहा है, और कुछ दिन पहले यही रैट स्नेक मुझे बाइट किया था, और मैं बता दूं फिर से कि इसमें जहर नहीं होता, और सामने हमारे नर्सिंग मैडम भी है, इन्होंने ही मुझे ये ट्रीटमेंट किया था, इंजेक्शन वगैरह लगाया था, मैडम को दिखाओ, और मैडम बताओ कैसा, मतलब कुछ हुआ था क्या मुझे, नहीं नहीं ना, चलो ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस सांप से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें जहर नहीं होता, और सांप तो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, इनको बचाए रखें, मारे नहीं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे आसपास दिखाइए, और ये लोग नज़र बनाए हुए थे मेरे आने तक, रोक के रखे रहा इस वो, चलिए फिलहाल इसे पैक करते हैं, और देखिए कैसे गांठ मार रहा है, ये बांधना बहुत अच्छे तरीके से जानता है, बहुत अच्छे से गांठ मारता है, ये ऐसा पकड़ लेगा कि आपको छुड़ाना मुश्किल हो जाए, लाइए मेरा डब्बा लाइए ज़रा, और कुछ बच्चे भी हैं हमारे यहाँ पे मैडम के बच्चे हैं, उसको खोलिए ठीक है, और कैसा लग रहा है बच्चों, सांप से डर लगता है, हैं डर लग रहा है, चलिए फिलहाल हम इसे पैक करने की कोशिश करते हैं, अगर ये चला गया इजली तो अच्छी बात है, लाइए ढक्कन दीजिए, देखिए 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 देख रहे हैं, देखिए कैसे गांठ मारता है, देख लिए ये इसी तरह से जो है कि गांठ मारता है, आपको भागने का मौका नहीं देगा, और इसी को बोलते हैं गांव में भी कि ये जानवरों को पैर बांध के दूध पी लेता है, पर ये मिथ्या बात है, सरासर गलत बात है, पैर बांधने के लिए बांध सकता है, पर सांप कभी भी गाय या भैंस का दूध नहीं पी सकता है, सांप के पेट में एंजाइम नहीं होता जिसके कारण ये दूध को पचा नहीं सकता, और ये कुछ दिनों में मरना निश्चित है, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अभी इसको रिलीज करेंगे और दिखाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और इधर आइए, इसको खाई ले देखिए नहीं खा पाएगा, ये इस मेंढक को पकड़ रखा था, और जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि ये मेंढक को खा जाता, पर इसके मुंह की साइज छोटी, और मेंढक देख सकते हैं कितना बिग साइज का है, इसको खा जाता, पकड़ने के लिए इसको पकड़ रखा था, और मेरे आते ही इसने छोड़ के भाग गया, पर ये इस मेंढक को नहीं खा पाता, मेंढक में जान है अभी, शायद ये बच जाए फिलहाल, हाँ इसमें जान तो है, इसको पानी में हम डालने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जहर नहीं होता भाई इसमें, ये ऐसे भी बच जाएगा, चलिए भगवान की अगर इच्छा रही तो शायद ये बच गए, चलिए मेढक तो सही है, वो गया अंदर, वो मुंह में ले रखा था, अंदर नहीं जा रहा था फिर, बिल्कुल बिल्कुल वो कैपेसिटी से ज़्यादा पकड़ लिया था पड़ा चलिए दोस्तों
मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक हमारे चैनल अरुण कोबरा शेवर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।